गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये प्राविधिक शिक्षा परिषद ने आगामी सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। ये 9-8 को उन्होंने भेजा है इस चीज़ को। तो उन्होंने पहले, आप जो लोग नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट होंगे वो भेजते रहेंगे। इसमें आपको सूचनाओं के अलावा कोर्स के मटेरियल भी भेजे जा रहे हैं, दो सब्जेक्ट के आ चुके हैं और भी धीरे धीरे आते रहेंगे। यहाँ पर है, यदि किसी छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, और जब भी आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को अपने परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो इसमें ऐसा है, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो कॉलेज में या किसी साइबर कैफे में वो अपने परीक्षा के लिए तैयारी करा ले। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी आसपास आपके वहाँ पर ना घूम रहा हो, क्योंकि अगर वो पीछे घूमेगा तो प्रॉक्टर आपको ब्लॉक कर देगा, और प्रॉक्टर आपको लगभग 15 मिनट के लिए ब्लॉक करेंगे तो आपका टाइम ख़राब होगा। किसी भी आदमी को पीछे खड़े नहीं रहना है, आपको अपने दाएं बाएं बार बार देखना नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि आपने कॉलेज से, या अगर मोबाइल भी अगर आप माध्यम से उसको सही से आप एडजस्ट कर सकें तो मोबाइल को करिए। इतर चीज़ें इसमें AKTU के तरीके ये हैं, तो आप लोग अगर कोई आपके AKTU के दोस्त हों तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है और क्या क्या सहूलतें बरतनी है, वो सारी चीज़ें AKTU ने बताई हैं। कमरे परीक्षा स्थल पर प्रकाश इतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो और इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। तो लाइटिंग रहे, आप अंधेरा ना रखिए, क्योंकि प्रॉक्टर को अगर विजिबल नहीं होगा तो वो आपको वो ज़्यादा सही से बार बार उसमें क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाएगी, सर के ऊपर जो लाइट रहती है, यदि ओवर लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र अपने घर अथवा साइबर कैफे और संस्थान उचित होकर कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिनमें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, तथा अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभागी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन फ़ोन भी इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर कुछ बात कर वो इधर उधर बात करें तो वो सुनाई पड़ सके, और वो सुनाई पड़ता भी है, और कभी कभी लोग अपना सर नहीं हिलाते हैं, इधर उधर पूछते रहते हैं, प्रॉक्टर को ब्लॉक कर देते हैं 15 मिनट बाद, या अगर कभी कभी इसमें UFM भी हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इधर उधर ज़्यादा घूमिए नहीं, और शांत केवल अपनी जगह देखते हुए। और इसमें यह भी है कि क्वेश्चन जो अभी इसमें आगे आएगा, क्वेश्चन जो है सभी के एक समान नहीं होंगे, किसी को पहला क्वेश्चन आएगा, किसी को वही क्वेश्चन थर्ड पे आएगा, और इसमें 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक ऑप्शन को आपको सही टिक करना रहेगा। आपको यहाँ विवेचना के लिए भी, मतलब अगर आप चाहें कि इसको कुछ देर बाद खोल सकें तो उसके लिए शायद ऑप्शन ही देंगे कि आप उसको दोबारा से ओपन कर सकें। आप साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए, आपकी डेस्क पर पुस्तक कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हो, सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन कर सकता है। जो प्रॉक्टर रहेगा उसके पास लगभग 15-20 बच्चे होते हैं, और बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता रहता है प्रॉक्टर लोग। और एक जैसे द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नियमानुसार नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, इसमें नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर किया जा सकता है जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। इसके आसपास की मेज दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए, संगीत, टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं। अगर घर पे हैं आप तो लोगों को बता दीजिए, और पहले से ही बहुत सारे लोग, तो AKTU वालों ने भी एक चीज़ कह दिया था, अपने स्टेटस लगा दिया था कि कृपया कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करने पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कोई भी आप दूसरे किसी को बता दीजिए कि हमको कोई कॉल ना करें, व्हाट्सअप ना करें, ये सब चीज़ों को आप बार बार, आपको अपना जो ब्राउज़र उसको चेंज नहीं करना है। और ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अधिकतर आप दो ब्राउज़र कम से कम अपने पास रखिएगा, मोज़िला फायरफॉक्स का या क्रोम, क्योंकि कभी कभी अगर मोज़िला पर नहीं खुल रहा है तो आप क्रोम पर जाइए, क्रोम पर हो रहा है तो मोज़िला पर जाइए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि AKTU वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, और वो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। सब फॉर्मल परिधान पहने रहिए और अनुशासित व्यवहार करना है, ये ना हो बहुत डार्क शर्ट पहना है और उसमें आपने कुछ लिख लिया है, ऐसा चीज़ नहीं करनी है। तो इसलिए आप फॉर्मल चीज़ें पहनिए। समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, MCQ आएंगे, और ऑनलाइन आधार पर मोड में संपन्न कराइए। अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा, मतलब जो फाइनल ईयर वाले हैं, उनको 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर 6 छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्नों के 25 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 60 मिनट 1 घंटे का होगा।
लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, यदि आप को प्रॉक्टर ने गलत पाया, इधर उधर आपने देखना शुरू किया, तो आपको 10 मिनट के लिए ब्लॉक करेगा। यदि 3 बार उसने ब्लॉक किया तो आप 30 मिनट के लिए आप ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आपका कनेक्शन कट जाता है तो आप दोबारा से लॉगिन करिए, और जैसे हमने बताया 2 ब्राउज़र रखिए, और 2 ब्राउज़र में किसी एक को लॉगिन करके दोबारा दूसरे में लॉगिन करिए। प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब अगर आपने गलत नंबर गलत आंसर को किया है तो आपका नंबर कम नहीं होगा, जो आपके सही होंगे उसी को ही नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, मतलब उसमें ये आपको कंपेरेटिव नहीं होगा, इसलिए कहा इन्होंने इजी बनाया है, क्योंकि अधिकतर जो MCQ होते हैं, जो अगर आप किसी भी चयनात्मक परीक्षा में जाएंगे वहाँ पर क्या होता है कि 4 ऑप्शन सही है, इसमें से कौन ज़्यादा सही है उसको आपको लिखना है, जैसे कि ए सही, बी सही, सी सही, तो उसमें ए बी सी सही और सी सही, ये सब चीज़ें होती हैं। अब यह है कि प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। ऑनलाइन परीक्षा में हेतु उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना है। इंटरनेट विषय जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए छात्र खुद जिम्मेदार होगा, ये पहले से कह दिया जाता है, और सभी लोगों को इसमें भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया आगे बताई गई है, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि उनको सारी चीज़ें समझ में आए। और परीक्षार्थी को इंटरनेट की वैकल्पिक व्यवस्था भी रखनी होगी, अपने स्तर करनी होगी, साथ में ये तो इंटरनेट बता रहे हैं आपको, इंटरनेट कम से कम आप जान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपका 1 GB खराब होगा, तो 1 GB आपका होना चाहिए, और प्लस आपका जो बैटरी है वो भी आपकी लगभग ड्रेन हो जाएगी 15 मिनट से पहले आप लेंगे। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप बैटरी को चार्जिंग पे लगा के काम एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि कम से कम उसमें आधी बैटरी लोगों की डिस्चार्ज हुई थी 1 ATU के एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि इंटरनेट कम से कम 2 GB का आप रखिए, कहीं और सुबह से खराब मत करिए, केवल एग्ज़ाम के लिए ही इसको पर्पज़ के लिए रखिए। इंटरनेट व्यवस्था रखिए, इंटरनेट किसी कारण में 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे किसी ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और विकल्पी क्रम परिवर्तन हो सकता है। इस अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिन्हें छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा था, परीक्षा की सूचित बनाने रखे हेतु निर्णय लिया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें, किसी वैकल्पिक व्यवस्था को तैयार रहें। परीक्षा से 25 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना होगा, तो 30 मिनट पहले आप रेडी रहिए, पूरा लॉगिन कर लीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है या आईडी पासवर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बात कर सकते हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों ऑनलाइन परीक्षा दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात पेपर स्वतः सबमिट हो जाए, ऑटो सबमिट है, आपको सबमिशन बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि 1 घंटा 45 मिनट हो गया है, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम आप देते देते आपका समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट होने के बाद वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़ शेष छात्रों द्वारा हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। तो फाइनल ईयर के लिए 1 घंटा 45 मिनट और बाकी के लिए 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात अपने आप सबमिट हो जाएगा। आपको 1 घंटा 15 मिनट के भीतर ही सारे क्वेश्चन करने हैं। इन 15 मिनट में आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो उस 15 मिनट में आपको कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं देने दिया, उसका उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे एक ही ट्यूटर ने किया था और उसको एक मॉक टेस्ट के लिए भी दिया था, तो ये चीज़ें आती हैं, वो आपके उसी नंबर पे आएगी। अगर किसी का भी नंबर गलत हो या आईडी गलत हो तो अपने कॉलेज से संपर्क करके आईडी और मोबाइल नंबर सही से आप चेक करा लें। तो एक आपको URL दिया जाएगा, मोबाइल पर एक URL, यूज़र ID, पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे उस छात्र को सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र को 4 से 5 बार फोटो क्लिक करना रहेगा, जिसे परिषद अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को संस्था से वेरीफाई भी कराया जा सकता है, और छात्र छात्रों को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, जिसके साथ उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसे सत्यापित किया जाएगा। तो आईडी मोबाइल नंबर सत्यापित होगा आईडी के साथ, और उसमें कोई अगर कोई एडमिट कार्ड दिखाई देगा, उसमें कोई त्रुटि होगी तो वो वहीं उसको बताएगा। इसमें एक हेल्प डेस्क भी लगा रहता है साथ में, अगर एग्ज़ाम देते समय किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो वो वहाँ पर अपनी चीज़ों को बता सकता है। उन्होंने डेट भी बताई है कि सेमेस्टर के लिए 12/8 से लेकर 15/8 तक, और एनुअल के लिए 17/8 से लेकर 28/28, मतलब 17/8 से लेकर 20/8 20 अगस्त तक आपको भर लेना है। और सेमेस्टर द्वितीय वर्ष और चतुर्थ सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा के लिए केवल फार्मेसी के लिए प्रथम वर्ष, ये ऊपर 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक डी फार्म सेकेंड ईयर का है, और डी फार्म फर्स्ट ईयर का है 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक।
केवल सॉफ्टवेयर द्वारा ही सबमिट हो पाएगा और समय सारणी को उसमें आपको टाइमिंग आपको मिल जाएगी कि किस टाइमिंग पे, जो हमने बताया था कि सीरियल नंबर 1, 2, 3 है और उसके साथ ही किनारे आपने जो नंबर लिखे थे उसके साथ ही आपको मिलेगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम किस में किस कोड का देना है। ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना करना अनिवार्य है, सभी को एग्ज़ाम देना जरूरी है। ना करने की स्थिति पर परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब होगा। ये तो सभी लोग समझते हैं कि भाई आप पठन पाठन बाधित रहेगा, आप एग्ज़ाम अगर नहीं देते हैं तो आपको ही उसको प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो हेल्प डेस्क उसमें बनाया गया है और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉफ्टवेयर से पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर सॉफ्टवेयर ज़्यादा आपके ज़्यादा आंसर्स नहीं देता। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई हैं, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बात कर पूछ सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी की जाती रहेगी। आपकी कोई भी गतिविधि को परीक्षा को सूचित को सूचितता को बाधित करती है तो प्रॉक्टर पर्सदार सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आपको वार्निंग देगा। पहले 2 बार 3 बार वार्निंग देता है और उसके बाद वो आपको ब्लॉक करेगा। उसके बाद अगर UFM देता है तो UFM भी आपको बताएगा कि UFM आपको कर दिया गया है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, बाकी सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और ये सर्कुलर आया, और भी किसमें कोई अपडेट आएगा तो हम आपको सबको बता देंगे। तो सभी लोग जो इस चैनल को है उसको सब्सक्राइब करें और जो दूसरे लोग हैं चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हों या फार्मेसी वाले हों उनको शेयर करें, जिससे कि उनको आपकी जो जानकारी है वो अपडेट होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।